हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 4 ऑन इंटीग्रेशन। और इसके अंदर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन अच्छे से करना है तो हमें उसका डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, तो हम जरा सा उसको टचअप करेंगे सबसे पहले। सो आप देखिए यहाँ पर, जैसे अगर आपको आ जाता है वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट कॉस एक्स। इसी तरह से प्लीज रिमेंबर, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कुछ कॉन्स्टेंट अगर होता तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका भी क्या होता, साइन का डेरिवेटिव कॉस और केवल अकेले कॉन्स्टेंट जीरो। इसका मतलब प्लीज रिमेंबर, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, और अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट है तो भी उसका डेरिवेटिव केवल कॉस एक्स है। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आपने पढ़ा हुआ है। और इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कुछ कॉन्स्टेंट होता तो भी डी वाई अपॉन डी एक्स ये होता माइनस साइन एक्स, क्योंकि अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विल बी जीरो। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस सी है तो भी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स ओनली, क्योंकि केवल अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं अभी, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर यहां पर हम y का कॉलम बना लेते हैं और इधर dy upon dx का कॉलम बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर y sin of x है तो dy over dx क्या है, cos of x। अगर y is equal to cos of x है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑफ sin x, और अगर y tan x है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, secant square x। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अगले वीडियो में बताएंगे, तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। आपने प्लीज रिमेंबर करना है कि अगर देखिए ध्यान से कि साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, या तो साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि cos x का इंटीग्रल वो चीज होती है जिसको डिफरेंशिएट करने पे वापस cos x आ जाए। इसी तरह से माइनस साइन x का अगर मैं आपसे इंटीग्रल पूछूं तो वो ऐसी चीज है जिसको डिफरेंशिएट करने पे वापस माइनस साइन x आ जाए, तो वो क्या होगा, cos x या cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर मैं पूछूं secant square x का इंटीग्रल बताओ तो वो ऐसी चीज है जिसको डिफरेंशिएट करने पे secant square x आता है, यानी कि टू बी आइदर tan x और tan x plus constant of integration। तो चलिए करके देखते हैं, यहां पे आप ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताइए इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या है, तो आपने इसको लिख देना है दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है, जो हमने किसका इंटीग्रेशन लिखा है, कॉस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन हमने सही लिखा है तो इस चीज को, यानी इंटीग्रेशन करके जो चीज लिखी है हमने, ये चीज को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये पार्ट आ जाना चाहिए। तो कंफर्म करते हैं। सो हाउ डू वी कंफर्म, ये अब देखिए कैसे कंफर्म करना है कि ये जो किया है वो सही, अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली नहीं वहां पे करना, वो तो हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें पता ये सही है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि इसको अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कैसे कंफर्म करेंगे। तो यहां पर डी बाई डी एक्स किसका ले लो, ये जो इंटीग्रल आपने निकाला है साइन एक्स प्लस सी, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, और केवल अकेले कॉस का डेरिवेटिव क्या है जीरो, तो हमारा रिजल्ट क्या आया,
cos x, क्या ये मिल गया इसके साथ? मिल गया, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन हमने किया था, ये जो इंटीग्रेशन हमने किया ये परफेक्टली ऑल राइट है, पता लग गया, प्लीज रिमेंबर दैट। अगर सेकेंड वाले केस में आपको आ जाता है ऐसे माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल बताओ, तो आपने फटाफट इसको लिख दिया कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल राइट, अगर इसकी बजाय आपको ये मान लीजिए ये पार्ट कर देते हैं बी पार्ट, अगर इसकी बजाय आपको आया होता साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, तो ये होता माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नाउ प्लीज रिमेंबर ऐसे क्यों हो गया, जरा ध्यान दीजिए, अब कंफर्म कीजिए, ये जो चीज हमने इंटीग्रेशन करके ऑब्टेन की है किसका इंटीग्रल है, ये किसका, तो अगर ये इंटीग्रेशन सही किया है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स आना चाहिए, तो करिए जरा कंफर्म करिए, इसके लिए कंफर्म कर रहे हैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए डी बाय डी एक्स किसका करना है बताओ, इस बार कॉस ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, और केवल अकेले कॉस का डेरिवेटिव क्या है जीरो, तो ये माइनस साइन एक्स आया, क्या मैच कर रहा है इसके साथ में, मैच कर गया, सही है ना, इस तरह से। इसी तरह से अब यहां पर आप चेक कीजिए, ये हमने यहां पे कंफर्म किया था, नाउ यू चेक फॉर द अदर वन, किस केस में अगर आपको साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा होता तो आपको इस तरह से लिखना था, कैसे, ये सही है चेक कर लेते हैं, अगर ये सही है तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलना चाहिए साइन ऑफ एक्स, तो चेक करते हैं डी बाई डी एक्स किसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी का, तो अब आप ध्यान दीजिए जब डिफरेंशिएट किया माइनस साइन वैसे का वैसे, कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, और केवल अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या है जीरो, तो ये क्या आ गया साइन ऑफ एक्स आया, क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ में, कर रहा है, समझ में आ गई बात, तो किसी चीज का इंटीग्रल जो आप निकालते हैं वो आपने ध्यान देना है, इस तरह से लिखना है कि वो जो चीज आप लिख रहे हैं इंटीग्रेशन करके जो आनी है उसको डिफरेंशिएट करने पे वापस ये एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए, बात समझ में आई, इस तरह से, सो बी केयरफुल। एंड नाउ कमिंग टू एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस लेक्चर, सो आप देखिए tan x का डेरिवेटिव secant square x है, ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि secant square x dx इसका इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल वो वाली चीज है जिसको डिफरेंशिएट करने पे ही आता है, तो ये हो गया बेटे tan ऑफ x, और साथ में लगा देना है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, केवल टैन एक्स को करोगे तो भी यही आएगा, तो यहां पर रीराइट ये कांस्टेंट कैन बी जीरो और एनी कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे अगर ये आता है तो हमने जो किया है वो सही, तो कंफर्म कर लेते हैं फिर से डी बाई डी एक्स किसका टैन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या है secant square x, और केवल अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है जीरो, लिखने की जरूरत नहीं, सो यू गेट secant square x, क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ, मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल जो आपने ये लिखा था ये बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई, तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमने करना सीखा, और आपको पता लग गया होगा क्यों मैंने आपको कहा था कि अगर आप डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तभी आप उसका इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ गई, तो आज का लेक्चर यानी ये वाला लेक्चर यही खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका इंटीग्रेशन करना भी हम सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।